Hello dear students, in previous video of English second, I have given exercises 1 and 2 of chapter 4. Today we will discuss some other exercises of this chapter. So let us see exercise number 3. See what the children are doing in the given pictures. Complete each sentence by adding a doing words given below. आप ये pictures देख रहे हैं बच्चों के, ये क्या कर रहे हैं इस picture में आपको वही यहाँ पे fill करना है. And options are given. Writing, drinking, driving, eating, cooking and playing. Students, first of all वी हैव टू नो वाट इज डूइंग वर्ड्स. पहले हम जानेंगे कि ये डूइंग वर्ड्स किसको कहते हैं, तब आप फिल कर सकते हैं इसको. तो डूइंग वर्ड मीन्स एक्शन वर्ड, एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो एक्शन वर्ड होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. इट मीन्स आप जो करते हैं काम, चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, पढ़ना हो, गाना हो, ये आपका काम है, आप करते हैं, उसी को हम डूइंग वर्ड कहते हैं. तो इस पिक्चर में ये बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वही हमको फील करना है देख के कि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है. ओके, हियर ऑप्शंस, राइटिंग मतलब लिखना, ड्रिंकिंग मतलब पीना, ड्राइविंग मतलब चलाना, ईटिंग मतलब खाना, कुकिंग मतलब पकाना, प्लेइंग मतलब खेलना. These are doing words. इसी को हम doing words कहते हैं. So let's see first figure. Geeta is drinking milk. Student, what is Geeta doing in this picture? क्या कर रही है गीता इस पिक्चर में? Drinking, दूध पी रही है. Okay? So here should be drinking. Next picture. The girls are eating lunch. ये लड़कियां क्या कर रही हैं? लंच, ईटिंग, खाना खा रही हैं. सो हियर शुड बी ईटिंग, एंड ईटिंग इज अ डूइंग वर्ड. द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक. ये जो लड़का है वो अपने नोटबुक में राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है. राइटिंग मतलब लिखना, एंड राइटिंग इज अ डूइंग वर्ड. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम. बच्चे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, खेल रहे हैं. सो हियर शुड बी प्लेइंग, आप यहाँ प्लेइंग फील करेंगे, एंड प्लेइंग इज अ डूइंग वर्ड. ये काम है इनका, ये खेल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं. सो इट इज अ एक्शन वर्ड. मदर इज कुकिंग फूड. मम्मी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं, कुक कर रही हैं. ओके, सो कुकिंग इज अ डूइंग वर्ड. फादर इज ड्राइविंग ए कार. पापा क्या कर रहे हैं? कार ड्राइव कर रहे हैं. ड्राइव मतलब चलाना, ये पापा का काम है. सो इट इज अ डूइंग वर्ड. ये भी एक्शन या डूइंग वर्ड है. सो स्टूडेंट्स, यू विल फील दीज थिंग्स फ्रॉम हियर इन योर बुक एंड ट्राई टू लर्न इट. लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 4. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट एज गिवन अबव. आपको पिक्चर देख के लिखना है. ओके, एज गिवन अबव. देखिए ऊपर क्या लिखा है. Grandpa's farm means the farm of grandpa. हमने आपको बताया था कि लिखा था ना, a visit to grandpa's farm. हमने आपको बताया था इसको हम apostrophe s कहते हैं. ये जो कॉमा दिख रहा और ये s, इसको हम apostrophe s कहते हैं. हाँ, इसका मतलब होता है का. ओके, दादाजी का. तो यहां देखिए, दादाजी का farm, ठीक है, दादाजी का खेत, फील्ड. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द फार्म ऑफ ग्रैंडपा. यहाँ ऑफ का मतलब एपोस्ट्रॉफी से हो गया, यानी दादाजी का फार्म. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी एड एन एपोस्ट्रॉफी टू मेक अ सिंगुलर नाउन. ओके, पोजेसिव. हम ये जो एपोस्ट्रॉफी है उसका यूज संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं. हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं और आप इसमें वही करेंगे. यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर. सोहन नियर्स हिज कार. सोहन अपने कार के पास है. ओके, आप इसको लिख सकते हैं सोहन्स कार.
ये सोहन सोहन का कार है ना, तो आप लिख सकते हैं सोहंस कार, क्योंकि यहां अपोस्ट्रोफियस का मतलब का होता है, ठीक है, तो सोहंस कार। अमीना विद हर डॉल, ये अमीना का डॉल है, तो आप लिख सकते हैं अमीनाज डॉल, अपोस्ट्रोफियस के साथ लिख सकते हैं अमीनाज डॉल। नेक्स्ट, रानी विद हर पेंसिल, आप लिख सकते हैं रानीज पेंसिल, रानी का पेंसिल। अजीत विद हिज स्कूल बैग, अजीत अपने स्कूल बैग के साथ है, ये अजीत का स्कूल बैग है, तो आप क्या लिख सकते हैं अजीत स्कूल बैग। रीता विद हर कंप्यूटर, सो यू कैन राइट रीतास कंप्यूटर, ओके, रीतास कंप्यूटर, रीता का कंप्यूटर विद अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट, पेटर नियर हिज हाउस, पेटर जो है ये लड़के का नाम पेटर है, वो अपने घर के पास है, तो ये घर किसका है, पेटर का, सो पेटर्स हाउस, पेटर का घर, इसको हम एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स यू विल फिल इन दिस बुक। लेट अस सी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोनिक ड्रिल, साउंड ऑफ लेटर ओ। हमने आपको हर चैप्टर में ये बताया है, दे आर गिविंग सेम साउंड, जिनको बोलने पे एक ही तरह के आवाज आते हैं, ओके, सो लेट अस रीड दिस, आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है, कॉट पॉट, दे आर गिविंग सेम साउंड, एक ही तरह की आवाज आ रहे हैं, देखिए कॉट पॉट, डॉग लॉग, बॉक्स फॉक्स, कॉक लॉक, हिंदी मीनिंग, कॉट मीन्स खाट, पॉट मीन्स मटका, बॉक्स मीन्स डिब्बा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, डॉग मीन्स कुत्ता, लॉक मीन्स लकड़ी का कुंदा, ये जो दिख रहा है, कॉक मीन्स मुर्गा और लॉक मीन्स ताला। नाउ वी विल मेक न्यू वर्ड्स, अब हम नए वर्ड्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, इनकी हेल्प से हम नए वर्ड्स बनाएंगे। तो पहला वर्ड क्या है, डॉग, ऐसे वर्ड बनाइए जो डॉग की तरह सेम साउंड दे आपको। आई हैव रिटन डॉग, फॉग, लॉग, हॉग। नेक्स्ट है पॉट, लॉट, हॉट, टॉट, काउ, माउ, नाउ, टाउ, देखिए एक ही तरह की आवाज दे रहे हैं, सेम साउंड। लेट अस नो द हिंदी मीनिंग, फॉग मीन्स कोहरा, लॉग मीन्स काटना, हॉग मीन्स, हॉग मीन्स सुअर होता है, इसको हम हॉग पिग दोनों का मतलब सुअर होता है, लॉट मीन्स ज्यादा, हॉट मीन्स आपको पता है गर्म, टॉट मतलब होता छोटा बच्चा, हम छोटे बच्चे को बेबी बुलाते हैं, टॉट भी बुला सकते हैं, टॉट मतलब छोटा बच्चा। नेक्स्ट है माओ, माओ मतलब होता घास काटना, ओके, नाउ मतलब अब, और टाओ मतलब होता रस्सा, रस्सी जिसको कहते हैं मोटा रस्सा। सो स्टूडेंट्स दीज आर द वर्ड्स आर गिविंग सेम साउंड, राइट हियर इन द ब्लैंक स्पेसेस इन योर बुक एंड ट्राई टू रीड दीज वर्ड्स। थैंक यू।